क्लास जो 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, यहाँ से सारे चैप्टर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार लर्न फॉर एवर पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोग कंप्लीट मैथ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग क्लास 10th की मैथ है हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठा के चलेंगे। क्लास जो 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, यहाँ से सारे चैप्टर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। पहला फर्स्ट चैप्टर है, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, ऐसे हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं आपका, देखो रियल नंबर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से डिटेल से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। तो ये क्लास देखिए, पहली बात तो 9, 10, 11, 12 सारी क्लासों के लिए बेसिक क्लास है, और अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। ठीक है, तो सारे लोग इसको देख सकते हैं, क्लास 10th वाले बेसिकली उनको ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनका ये सिलेबस चलेगा। ये इसके आगे भी हम लोग इसी टॉपिक से जुड़ी ही बातें करेंगे, तो उनके लिए तो मस्ट है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी क्लास है, बिल्कुल बेसिक से देखना और पूरी क्लास को देख के अच्छे से नोट करना, आप अपने हिसाब से फ्लो चार्ट बनाना है, इसको कैसे आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो आप देखो नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ समझते हुए चलना एक एक बात को। संख्याओं का वर्गीकरण, तो संख्याओं का वर्गीकरण बेसिकली दो पार्ट में किया गया। सबसे पहली बात इसका, सबसे जो पहला पार्ट है वो इसका है रियल नंबर। बच्चों क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, अब देखो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में एक आध मीनिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो उस पर वो मत कीजिएगा, ज़्यादा परेशान मत होना। आपको आती है मीनिंग तो अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो समझते हुए चलिएगा। रियल नंबर्स जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक आपके रियल नंबर और दूसरे जो नंबर होते हैं वो आपके होते हैं इमेजिनरी नंबर। कैसे नंबर बच्चों, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को जो बोलते हैं, रियल नंबर को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं। तो इनकी इंग्लिश भी जानते हुए चलेंगे क्योंकि आगे हम लोग सब कुछ इंग्लिश में कवर करने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं। और जो इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। क्या नाम होता है इसका, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। एक इसका और नाम होता है बच्चों, क्या होता है, ये वास्तविक हैं और ये हो जाएंगी अवास्तविक संख्याएं। कैसी, अवास्तविक संख्याएं। तो इसके ये दो नाम होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम लोग को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये आप लोग क्लास 11th में थोड़ा और डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। तो देखो, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट के अंदर माइनस किया जाए, जैसे रूट में माइनस वन, तो रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर निगेटिव हो, रूट के अंदर क्या हो, कोई भी नंबर अगर निगेटिव है बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। जैसे रूट माइनस वन, रूट माइनस थ्री, तो कोई भी नंबर हो जो रूट के अंदर क्या हो, माइनस का हो। अब ये इसको जो एक चीज़ नाम दिया जाता है उसको आई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आई से। इसको ग्रीक वर्ड में इसको बोला जाता है आयोटा। क्या बोलते हैं बच्चों, आयोटा। ठीक है, नाम इसका होता है आयोटा, इसको आई से दिखाते हैं। रूट के अंदर अगर कोई नंबर माइनस का है तो वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर। इसको काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अगर हम रियल और इमेजिनरी को मिला दें, रियल और इमेजिनरी को मिला दें बच्चों, तो ये दोनों मिला के हमारी जो बन जाती है वो बन जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम क्या करें, रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर, क्या करें, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर इनको मिलाते हैं, इमेजिनरी नंबर, तो ये जो हमारी बनती है वो बनती है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। क्या बनेगी, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, क्या बन जाएगी, सम्मिश्र संख्या। ये चीज इसी के नीचे लिखना, आपको चार्ट जो बनाना उसके नीचे लिखते चलना। अब सम्मिश्र संख्या को देखो, रियल नंबर को मान लो हमने अगर ए से दिखाया, किसे दिखाया, ए से, प्लस। अब इमेजिनरी नंबर के अंदर आई आएगा और कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे बी, ए प्लस आई बी, आई के साथ क्या होगा आपका, कोई भी नंबर जुड़ा होगा, तो ये तो आपका इमेजिनरी हो गया और ये आपका रियल हो गया। तो रियल और इमेजिनरी मिलके ये बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बनता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सम्मिश्र संख्या। ठीक, अगर हम लोग नंबर के रूप में लिखना चाहें तो जैसे लिख सकते हैं 2 प्लस और रूट में माइनस का 3। ठीक, अब इसको आई के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 प्लस माइनस, प्लस का यहाँ लगाएंगे
आई अंडर रूट थ्री, आई अंडर रूट थ्री, क्योंकि ये रूट में जो माइनस थ्री लिखा हुआ है, आप इसको एक चीज लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट माइनस वन, रूट माइनस वन, और रूट माइनस वन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा, क्या बोलते हैं बच्चों, आयोटा। तो ये आई बन गया, तो ये आई हो गया और ये रूट थ्री हो गया, क्या हो गया, रूट थ्री। तो ये बातें आपको इलेवेंथ क्लास में आप और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो टेंथ क्लास हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है, बस बेसिकली हमने ये बता दिया रियल नंबर क्या है, वो इमेजिनरी नंबर क्या है, ये अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक है। जो बच्चों ने अगर मान लो आप आगे अगर कोई भी चैप्टर पढ़ चुके हो, जैसे चैप्टर आपका द्विघात समीकरण, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर निगेटिव आ जाता है, जैसे रूट में माइनस पाँच आए, तो इसका कहते हैं मान संभव नहीं है, क्या कहते हैं, इसको अग्रह वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो मान संभव नहीं, वो किस लिए नहीं होता है, क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या होती है वो काल्पनिक होती है, ठीक, केवल इमेजिनरी नंबर होते हैं वो। अब हम लोग को जो बात करनी है वो वास्तविक संख्याओं पर करनी है बच्चों, किस पर करनी है, वास्तविक संख्याओं पर, ठीक। तो इतना चार्ट बनाने के बाद हेडिंग डालिएगा अगले पेज में, वास्तविक संख्याएं, क्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, क्या बोलते हैं, रियल नंबर, रियल और नंबर, ठीक। तो बच्चों देखो वास्तविक संख्याएं क्या, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया बेसिकली। पहला भाग इसका क्या होगा, जो पहला भाग होगा इसका क्या होगा, परिमेय संख्याएं, और दूसरा भाग क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। तो देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, दूसरा पार्ट है अपरिमेय संख्या, कैसा, अपरिमेय संख्या। एक एक बात सुनते चलना, लास्ट में लोग रिवीजन करेंगे इसका, तो फ्लो चार्ट बनता हुआ चलेगा, आप एक चीज एक दूसरे से चीजों को कनेक्ट करते हुए चलोगे। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखो वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं को हम लोग बोलते हैं, सॉरी रियल नंबर हो गया, परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये होते क्या हैं, तो देखिए परिमेय संख्याएं हैं, वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में, p बटे q, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं बच्चों, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसमें एक बात समझना, p अपॉन q का मतलब क्या होगा, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पे बेटा p अपॉन q फॉर्म में तो लिख सकते हो, q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और जो p और q हैं, p एंड q, वो आपके बिलोंग्स करने चाहिए, कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो p और q बिलोंग करने चाहिए इंटीजर को, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, q अगर जीरो हो गया, q अगर जीरो हो गया, जैसे ऊपर कोई भी नंबर है नीचे जीरो है, तो वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित हो जाता है, क्या हो जाता है, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे जीरो अपॉन जीरो क्या होता है, ये तो इनफाइनाइट है, ये अनंत है, ये अपरिभाषित है भैया, जीरो अपॉन जीरो कोई परिभाषा ही नहीं अभी इसकी, अपरिभाषित। ऐसे ही आपका किसी भी नंबर के बटे में जीरो आ जाए तो वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। जैसे आप एक चीज समझ लो, जीरो में किसी भी नंबर का भाग करो, एनी नंबर, कोई भी नंबर से भाग करेंगे तो आपका जीरो आएगा बच्चों, लेकिन एनी नंबर में अगर जीरो से भाग कर दोगे, एनी नंबर में आप डिवाइड बाई जीरो करोगे, तो बच्चों क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। तो आप वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो वे संख्याएं क्या होंगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी, क्या, कैसी संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे हम बोल दें 2, 3, 1.5, तो अब देखो ये पहले आगे इसको समझते जाते हैं, 2 को हम 2 बटे 1 लिख सकते हैं, बटे में 1 तो हम किसी के भी लगा सकते हैं, तो वो तो 2 ही रहेगा, लेकिन ये बन गया आपका p बटे q, p 2 हो गया, q कितना हो गया, 1 हो गया, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, इसके बटे में इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बटे में 10 लिख सकते हैं, तो भी ये p बटे q के रूप में, ऐसे हम लिख सकते हैं 7.5,
ठीक है, 2.34, तो ये सारी संख्या किस में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो ये हमारी होगी परिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या। वही बात करें अपरिमेय संख्या होगी, तो इनकी बस देखो परिमेय ही अपरिमेय, यानी जो परिमेय नहीं होगी वो क्या होंगी, अपरिमेय होगी। परिभाषा क्या बनेगी बच्चों, वे संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बटे क्यू डज नॉट, इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारी संख्या क्या कहलाएंगी हमारी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे रूट के अंदर जैसे हमने लिख दिया 2, रूट 3 लिख दिया, पाई लिख दिया या ई लिख दिया, मैथमेटिक्स के जितने सिंबल हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, अपरिमेय संख्या में आ जाते हैं, पाई ई रूट 3 रूट 2, क्योंकि इनका मान क्या होगा 1.414 और आगे कॉन्स्टेंटली रिपीट होता रहता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग तीन अंक तक याद कर लेते हैं, वो होता आगे और भी है, जैसे 1.414, ठीक है, ये आगे भी बढ़ता है। ऐसे इसका मान क्या होता है 1.732 और डॉट 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 आगे। पाई का मान तो आपको पता ही होगा, पाई एक रहस्यमय नंबर है, इसके डिजिट तो बहुत सारी हैं, लोग बहुत कम से कम बहुत नंबर होता है, इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका रिकॉर्ड भी है। तो आप लोग तो बस इसके बारे में समझ लीजिए कि ये है ऐसा नंबर जिस पॉइंट के बाद कोई नंबर इसका रिपीट नहीं होता और कभी खत्म भी नहीं होता, लगातार भाग देते जाएंगे आगे संख्याएं मिलती चली जाएंगी, ठीक है। ई एक ये नंबर है मैथमेटिक्स, जितने सिंबल होते हैं उनको सीधे समझ लो वो अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई और ये आपकी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। इतनी बात समझ में आई हो। अब बात करेंगे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को फिर से दो भागों में बांटा गया बच्चों, तो इतना पहले से जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग इसके आगे का देखते हैं। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब देखते हैं यहां पे आगे। तो हमने बेटा क्या बात करी कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको बच्चों दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला भाग क्या है आपका, पहला भाग है जो आपका पूर्णांक, क्या है पहला भाग, पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक को बोले तो इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। और दूसरा भाग है आपका भिन्नात्मक, दूसरा भाग क्या है, भिन्नात्मक, यानी आपका फ्रैक्शन। पहला भाग आपका पूर्णांक, दूसरा भाग है भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा, ये क्या है देखिएगा ध्यान से। पूर्णांक बच्चों जो होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। पहला पूर्णांक होता है धन पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, धन पूर्णांक। पहला पूर्णांक कौन सा पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक, यानी इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है आपका शून्य पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर, क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, ठीक है। और तीसरा पूर्णांक जो होता है वो आपका होता है नेगेटिव इंटीजर, यानी ऋण पूर्णांक, क्या बोला जाता है इसको, ऋण पूर्णांक, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव और इंटीजर, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, सारे आपके प्लस के नंबर पूरे पूरे होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और सारे प्लस के होने चाहिए। जैसे क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर देखो ध्यान से, आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट आगे, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। शून्य पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर के अंदर केवल आपका जीरो आता है, ऋण पूर्णांक में आ जाएगा आपके माइनस के सारे नंबर, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, यानी आप इसको बोल सकते हैं, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर जीरो होता है तो ये जीरो हो गया, इधर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, -1, -2, -3, -4 और ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इधर ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक और इधर ये प्लस इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट, ठीक। लेकिन नंबर पूरा पूरा होना चाहिए, प्लस माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, इंटीजर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, यानी पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई, पूर्णांक हो गए।
तो आपके अब भिन्नात्मक, तो भिन्नात्मक नंबर्स को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है बच्चों, कितने भागों में, तीन भागों में बांटा है। तो ये वाला जल्दी से चार्ट बनाओ फिर हम इसको बांटते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको बना लो, जल्दी से बनाओ। चलिए बना लिया होगा उम्मीद है, तो इसको हम लोग अलग से एक हेडिंग बना के लिखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा समझाना है। चलिए लिखेंगे यहाँ पे भिन्नात्मक, क्या लिखेंगे बच्चों, भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शन। तो तीन पार्टों में बेसिकली इसको बांटा गया है, समझिएगा ध्यान से। पहला जो भाग है वो आपका है शांत दशमलव, क्या है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है अशांत अशांत अनावर्त, और तीसरा जो पार्ट है आपका अशांत आवर्त, अशांत आवर्त, अशांत आवर्त, ठीक है। शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत आपका अनावर्त और अशांत आवर्त, ठीक। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहले समझ लेते हैं, शांत और दशमलव, शांत और बच्चों दशमलव, मतलब दशमलव के बाद जो नंबर आए वो शांत हो जाए। जैसे हम इसको बोल सकते हैं 2.5, पॉइंट के एक अंक तक जाके ये रुक गया, इसको बोल सकते हैं जैसे 3.14, ठीक है, पॉइंट के दो अंक तक जाके रुक गया, इसके आगे अब खत्म हो गया, और भी पॉइंट नहीं आ सकते हैं, जैसे 2.345, पॉइंट के एक दो नंबर तक जाके रुक जाए, शांत हो जाए, उसको बोलते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोला जाता है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, अब बात करें अशांत और आवर्त की, एक काम करते हैं इधर आवर्त लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों पास पास मिल गए, ये परिमेय संख्या बनाते हैं, ये अपरिमेय बनाता है, तो इसको इसके पास लिख लेते हैं, ये हम बोल देंगे इसको अशांत और आवर्त, अशांत आवर्त, क्या बोलेंगे इसको, अशांत आवर्त, थोड़ा सा यहाँ पास लिखने से अभी चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा, क्योंकि इन दोनों को मिला के हम परिमेय बोलेंगे अभी, और ये अपरिमेय हो जाएगा, ये जो था आपका अशांत अनावर्त, क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्त, अनावर्त, ठीक। तो जो इसके अंदर जो आपके नंबर आएंगे वो नंबर क्या क्या आएंगे देखना ध्यान से, अशांत और आवर्त, मतलब अशांत है रुक नहीं रहा है, और आवर्त है लगातार रिपीट हो रहा है। जैसे हम बोले एक बटे तीन, एक बटे तीन, अगर इसमें तीन से भाग करोगे तो भाग नहीं जाएगा तो जीरो, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे दस हो जाएगा, तो तीन त्रिका नौ, तीन बार कटा एक बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो तीन त्रिका नौ, फिर जीरो बढ़ाएंगे तीन त्रिका नौ, ऐसे ही चलता चला जाएगा कॉन्स्टेंटली, कभी खत्म नहीं होगा, आप भाग देते 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 पेज भरते रहोगे, थक जाओगे, लेकिन ये कभी नहीं रुकने वाला, पॉइंट का तीन आता ही जाएगा, ठीक है। एक बचता रहेगा दस होगा तीन आएगा, एक बचेगा दस होगा तीन आएगा, तो ये ऐसे नंबर अशांत है, देखो अशांत का मतलब रुक नहीं रहा है, और आवर्त का मतलब बार बार वही रिपीट हो रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्त। अब बेटा देखो पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जो पॉइंट का रिपीट होते चले जाएं और अशांत हों, जैसे हम लिख सकते हैं 2.3 बार, तो इसको क्या बोलेंगे, 2.33333333, जिस पे बार होता है वो नंबर कभी रिपीट, मतलब रुकेगा नहीं, वो ही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक। जैसे हम बोल दें 2.8 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 0.28 और डॉट 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 चलता रहेगा। अशांत आवर्त, अशांत का मतलब पॉइंट के बाद कभी रुके नहीं, और आवर्त का मतलब नंबर रिपीट होता रहे, क्या होता रहे, नंबर रिपीट होता रहे, तो इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं बेटा, बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक। मतलब क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। अब अशांत अनावर्त में इसको बोलते हैं, देखो इसमें पहले नंबर कैसे आते हैं समझ लो, पहले यहां देखो जो नंबर आएंगे अशांत और अनावर्त, अशांत का मतलब क्या है, अशांत है
रुक नहीं रहा है, अनावर्त का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे हम बोलते 2.3453 2.4587 9 3, देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है और रुक भी नहीं रहा है। पॉइंट क्या है, ना तो रिपीट हो और ना रुके, तो ऐसे सारे नंबर क्या होते हैं, अशांत अनावर्त होते हैं। क्या होते हैं, अशांत अनावर्त। जैसे लिखते हैं यहाँ पे 2.3.2.3.4.1.4.5.6.7 ऐसे, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं ऐसे नंबर, इसके अंदर आ जाता है आपका रूट के नंबर, जो भी रूट से बाहर नहीं निकल पाते, रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव। इसके अंदर आपके मैथ के जितने भी सिंबल हुआ जाते हैं, पाई हो गया, ई हो गया, जिनके मान होते हैं, कोई ना कोई मान होते हैं, वो सारे मैथमेटिक सिंबल इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया अशांत अनावर्त। क्या हो गया, अशांत अनावर्त। ठीक, तो इसको बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, भिन्नात्मक सारे नंबर। क्लियर है, शांत दशमलव के बारे में समझ लिया, अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इंग्लिश में भी आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब देखो बात करते हैं इसमें, ये जो दोनों नंबर होते हैं, ये वाले दोनों नंबर, ठीक है, शांत दशमलव और अशांत आवर्त, अगर ऐसी संख्याएं आपको दिख रही हैं सवाल में, तो इनको परिमेय संख्याएं बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। ठीक, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं सवाल ऐसे, अभी हम लोग की एक एक्सरसाइज है इन्हीं पे बेस है, परिमेय छांटने को आएंगे तो उनमें देख के आपको बताना है। अगर इस टाइप से दिख जाएगा तो बोल देंगे परिमेय, इस टाइप से दिखेगा तो अपरिमेय, या अपरिमेय और परिमेय की पहचान पी बटे क्यू, जो क्या हो, पी बटे क्यू के रूप में लिखी हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो तो परिमेय, इसके रूप में ना लिखी हो तो अपरिमेय, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तो अब ये वाली जो होती हैं, ये संख्याएं, ये सारी जो होती हैं वो आपकी होती हैं बेटा अपरिमेय। क्या होती हैं, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। देखो पाई, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय, लेकिन पाई का जो मान होता है बच्चों, इसको आपको याद रखना है, पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। क्या होता है, ये फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में होता है। फिक्स तो मान जो होता है वो कभी रुकता ही नहीं है, पॉइंट के बाद कभी खत्म ही नहीं होता और लगातार चलता जाता है। तो इसको हम लोग जब याद कर लेते हैं, अगर इसका मान तो 3.14, लेकिन एग्जैक्ट मान ये नहीं है, ठीक है, पॉइंट के बाद ही कभी रुकता नहीं, 3.145 ऐसे चलता रहता है। तो ये पाई क्या है, पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान क्या है, परिमेय, पाई का मान क्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याएं क्या होंगी, शांत दशमलव और अशांत आवर्त मिला के परिमेय, और अशांत अनावर्त आपकी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। इतनी बातें क्लियर हैं, अब हम लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें आपने समझ ही ली होंगी, तो कुछ संख्याओं के बारे में और जान लेते हैं। जैसे बच्चों हम लोग यहाँ बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, किसकी बात करें, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है इसको, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पहला पॉइंट, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये समझ। जैसे हम कहें बेटा इस क्लास में कितने बच्चे हैं, किसी भी बच्चे से अगर पूछेंगे सवाल तो वो क्या करेगा, सबसे पहले गिनना स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 ऐसे गिनेगा। दूसरे बच्चे से पूछा जाए किस क्लास में कितने बच्चे, तो वो भी कहाँ से काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4। अगर हम आपसे कहें कि बताओ पेड़ पर कितने कबूतर बैठे हैं, तो आप कबूतरों की संख्या गिनोगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनोगे। कहें कि पापा आपके कितने आम लेके आए, कितने सेब लाए, कितने केला लाए, तो आप गिनती कहाँ से करोगे, कोई ऐसे गिनता है कि 1.5 -2 -3 -5 1/2, ऐसे तो कोई नहीं गिनता, कैसे गिनोगे, 1 केला 2 3 4। तो जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है, हमारे नेचर में ही ये चीज़, अगर हम कोई चीज़ गिन रहे हैं तो स्टार्टिंग हमेशा 1 से करेंगे, कहाँ से करेंगे, 1 से। तो ये 1 से स्टार्टिंग हो रही है, नेचर में है, हर छोटे से बच्चे से भी पूछोगे जिसको गिनती नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत तो उसको आइडिया होगा, तो ऐसे गिनेगा 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से, तो स्टार्टिंग 1 से हो और सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 कॉन्स्टेंटली चलती चली जाए। तो ये पहले से संख्याएं नेचर में है, तो इसलिए इनका नाम रख दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, तो ये ऐसे चलती हुई चली जाती हैं। ठीक, अब इसमें कमी आ गई जीरो की, तो बताए देखो पहले जो संख्याएं थी वो 1 से 9 तक थी, जीरो नहीं था, जीरो की खोज तो बाद में हुई है,
तो जीरो की कमी आ गई। अब जीरो बाद में खोज लिया गया, तो अब जीरो को रखा जाए कहाँ रखा जाए, तो इसके अंदर रखना है, तो रखना है तो जिसको नया नाम देना पड़ेगा। भाई किसी में कोई क्वालिटी बढ़ जाती है, जैसे आप पहले तो अगर पुलिस में जॉब लग गई मान लो, तो आप बनोगे हवलदार बनोगे, फिर उससे आगे दरोगा बनोगे, ऐसे बढ़ते चले जाओगे, तो पोस्ट बढ़ती है तो नाम बदल जाता है। क्या बदल जाता है? नाम बदल जाता है। तो इसके अंदर जैसे ही हमने जीरो इंक्लूड किया, तो जीरो इंक्लूड करते ही जीरो वन टू थ्री फोर डॉट 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 डॉट, तो नया नाम देना पड़ा इसको। क्या नाम दिया हमने इसको? इसको नाम दिया पूर्ण संख्याएं। क्या संख्याएं कैसी हो गई? पूर्ण हो गई। अब हम 10, 8, 7, 100 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी गिनती लिखनी हो, जीरो मिल गया तो हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्या हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्या हो गई? ये पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर हो गए। कैसे नंबर हो गए? होल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या हो गई। लेकिन अगर देखो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं तो हो गई, हमने क्या किया, कोई जैसे आदमी बिजनेस करता है, जैसे कोई चीज़ 10 रुपये की आप लाए दुकान में, और आप वो चीज़ क्या होगा, कोई चूहे वगैरह ने काट दिया, कोई दिक्कत हो गई, तो उसको आप क्या कहोगे, थोड़ा सस्ते में ले जाओ भैया, जैसे आप कहोगे 2 रुपये कम दे देना, चलो ले जाओ 8 रुपये की ले जाओ, 7 रुपये की ले जाओ। तो आपने 10 की लाए थे, 7 रुपये की दी, तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ बच्चों। कितना नुकसान हुआ? 3 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी नुकसान हुआ। तो नुकसान को कैसे दिखाओगे आप? तो वो कैसे, जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते चले जाते हो, फर्स्ट क्लास में हम लोग प्लस के नंबर देखते हैं, फिर आगे जाते प्लस माइनस के नंबर आने लगते हैं, तो जो नुकसान होता है वो माइनस की चीज़ें होती हैं। किसकी होती है? माइनस के सारे नंबर। तो माइनस के नंबर इंक्लूड करने पड़े, तो अब किस में इंक्लूड करेंगे? तो हमको बनाने पड़ गए इंटीजर। क्या बनाने पड़ गए? इंटीजर यानी पूर्णांक बना गए। पूर्णांक, पूर्णांक में आपके तीन तरह के पूर्णांक हो गए। कैसे? तीन तरह के पूर्णांक। धन पूर्णांक अभी हम लोगों ने देखा था पीछे, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक के अंदर क्या, अंदर क्या क्या आएगा आपका? सारे प्लस के नंबर, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। शून्य में 0, यहाँ पे देखो माइनस की जितनी संख्याएं मिल गई इसमें रख दी, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें कुछ संख्याओं की जरूरत पड़ी, जैसे भिन्नात्मक संख्याएं। कैसी संख्याएं? भिन्नात्मक संख्याएं। पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, तो भिन्नात्मक संख्याएं भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, तो उनको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया, वो पीछे हम लोगों ने देख लिया है। वैसे भी समझ लो, अगर मान लो हम आपसे कहें, यहाँ पे मान लो ये आपके सामने 3 गिलास रखे हुए हैं, ठीक, 3 गिलास रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक, और हम कहें इन गिलासों में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? पानी भरा हुआ है। देखो ये गिलास आपका पूरा भरा है यहाँ तक, ठीक, पानी भरा है, और ये वाला गिलास आधा भरा हुआ है। क्या हुआ? आधा है। तो आपसे कोई पूछे कितने गिलास पानी है, हम पूछे कितने गिलास पानी, तो आप कहोगे ये गिलास पूरा भरा, एक गिलास, दो गिलास और ये आधा है, तो आप बोलोगे 2.5 गिलास। तो 2.5 गिलास को 2.5 बोलोगे। क्या बोलोगे? 2.5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट आप जानते हैं, पॉइंट हटता है तो ये नंबर क्या बन जाता है, 2.5 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, तो ये क्या बन गया? भिन्नात्मक बन गया बच्चों। क्या बन गया? भिन्नात्मक। तो आपसे किसी ने पूछा ये कितने गिलास पानी है, तो आपको वो 2.5 गिलास। तो 2.5 जो संख्या है वो किस में रखोगे? तो वो पॉइंट वाली सारी संख्या किस में रखने लगे हम लोग? भिन्नात्मक संख्या में, भिन्न के अंदर। ठीक है, तो सारी संख्या क्या बन गई? भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शनल नंबर। कैसे नंबर? फ्रैक्शनल नंबर, भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक, ये चौथा पार्ट हो गया आपका, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, फ्रैक्शनल नंबर के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, यहां तक क्लियर हो गया सारे नंबर? कुछ नंबर और बनाए गए हैं, वो क्या हैं? ध्यान समझिएगा, आपकी जैसे सम संख्याओं की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? सम संख्याओं की, सम संख्याएं, 5 नंबर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर बच्चों। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया? वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, 2 से डिवाइड होने वाली सारी संख्या आपकी इवन नंबर होती है। जैसे 2, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, 2 से कट जाएगा। अगली संख्या 2 से कटने वाली 4, अगली संख्या 6, अगली संख्या 8, इस तरीके से जितनी सारी संख्याएं जो भी होंगी
वो सारी संख्याएं दो से कट जाएंगी, और दो से सारी जो संख्या कट जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोग ये जानते थे कि प्लस की ही संख्याएं सम होती हैं, नहीं ऐसा नहीं है। दो से आपकी माइनस दो भी कट जाती है, जीरो भी कट जाती है, माइनस चार भी कट जाती है। तो माइनस के नंबर भी, प्लस के नंबर भी, और जीरो, जीरो एक कैसी संख्या है, वो सम संख्या, याद रखिएगा। ठीक, किसी दिन हम लोग इस पर डिटेल से बात कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा अभी समझ लेते हैं। दो से कटने वाली, देखो जीरो दो चार छः आठ, इधर क्या आएगा, माइनस दो माइनस चार माइनस ये छः, ऐसे चलेगा। गिनती क्या होती है, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे चलते हैं, फिर जीरो, फिर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन और माइनस के चार, ऐसे। तो देखो दो से ये कट रही है, कट रही है, कट रही, एक अंक छोड़ के बाद हमको सम संख्या मिल रही। तो यहाँ पे एक अंक छोड़ेंगे तो ये सम संख्या आएगी कि नहीं आएगी, देखो। तो ये सम संख्या है, क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि जीरो कैसी संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, सम संख्या है। ठीक है, तो वे संख्याएं जो क्या होंगी, दो से आपकी कट जाएंगी, वो सारी संख्याएं सम संख्या होती है बच्चों। उसमें माइनस की भी होती हैं, प्लस की भी होती हैं, और जीरो भी होती है। ठीक, इसके बाद बात करें सिक्स नंबर की, विषम संख्या। कैसी संख्या है बच्चों, विषम संख्या है। विषम संख्याओं का मतलब हो गया आपका ऑड नंबर। कैसे नंबर, ऑड नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ऑड नंबर बच्चों। ठीक है, तो वे संख्याएं जो दो से ना कटें, जैसे आपका हो गया माइनस वन और माइनस तीन, ठीक है, माइनस पाँच, जीरो, एक, तीन, पाँच, सात, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, विषम संख्याएं बच्चों कहलाएंगी। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके बाद आता है आपका सेवेंथ नंबर में भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, देखना ध्यान से, कंपोजिट नंबर क्या होंगे आपकी, भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं, एक छोटी सी बात में समझ लो, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, वो आपकी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। जैसे हम बात करें गुणनखंड का, मतलब जैसे हमने आठ लिख दिया, तो आठ किस, आठ से मतलब आठ किस के संख्याओं से कट सकता है, एक से कट सकता है, दो से कट सकता है, चार से कट सकता है, आठ से, वह कितने फैक्टर हो गए इसके, एक दो चार और आठ। तो यहाँ फैक्टर दो से ज़्यादा हो गए, मतलब दो तो होने चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो वो क्या हो जाएगी आपकी, आपकी प्राइम नंबर, वो सॉरी अबाद, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। प्राइम नंबर तो अभाज्य होती है, ठीक है, ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। दो से अधिक फैक्टर हों वो आपकी सारी संख्याएं भाज्य होंगी, लेकिन वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हों वो क्या हो जाएंगी हमारी, अभाज्य संख्याएं। क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। तो एट नंबर में हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्या है बच्चों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसमें क्या आएंगे आपकी, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, दो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा दो, दो एक से कटेगा और दो से कटेगा। यहाँ पे लिख दिया हमने तीन, एक से कटेगा और तीन से कटेगा, दो ही गुणनखंड, इसके अलावा कोई नंबर नहीं काट सकता इसको। पाँच, या तो एक से कटेगा या पाँच से कटेगा। सात, या तो एक से कटेगा या सात से कटेगा। जो एक से कटे और खुद से कटे, ये भी याद कर सकते हो आप, लेकिन गुणनखंड वाला ज़्यादा सही है, आप उससे सीखोगे तो अच्छे से किसी भी एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो आपके डाउट बना रहेगा। वे संख्याएं केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो, तो आपकी क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर, दो से अधिक गुणनखंड हो, कंपोजिट नंबर, अभाज्य, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे अगर एक की बात करें तो एक से ही कटेगा, दूसरा तो मतलब एक ही तो फैक्टर है इसका, एक से कट रहा है और एक मतलब एक ही फैक्टर आ रहा है इसका। तो एक के अंदर इसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए दो फैक्टर, इसके लिए दो से अधिक होनी चाहिए, तो दोनों ही क्वालिटी नहीं मिल रही इसमें। तो एक जो संख्या है, नोट पॉइंट में लिख लेना, नोट पॉइंट में, एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, ये नोट पॉइंट में आप बच्चों लिख लीजिएगा, इसके बारे में लिख लेना, एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। अब देखो दो, सारी अभाज्य संख्याओं को देखो तो ये तीन पाँच सात ग्यारह जितनी भी संख्या होंगी वो आपकी विषम ही होंगी, क्या होंगी, विषम। लेकिन ये वाली देखो सम है, ये वाली क्या है, सम। तो ये एक सम संख्या ऐसी है जो आपकी अभाज्य संख्याओं के अंदर आती है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, कोई ऐसी सम संख्या बताओ जो अभाज्य हो, तो आंसर लिखेंगे आप दो। सेकंड, पहला पॉइंट तो हो गया आपका, एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दो ऐसी सम संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, क्या है, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो दो के बारे में हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और बात कर लेते हैं, वो आपका है सह प्राइम, मतलब सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य को बोलते हैं को प्राइम, को प्राइम। तो को प्राइम क्या होते हैं बच्चों, इस पर अभी आपकी टेंथ क्लास में क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव। को प्राइम वे संख्याएं जो जोड़े के रूप में लिखी हो, किस में लिखी हो, जो जोड़े के रूप में लिखी हो। जोड़े के रूप में मतलब जैसे लिखा हो पाँच कौमा सात, तीन कौमा पाँच,
जो जोड़े के रूप में लिखी हो, तथा जिनका HCF, तथा जिनका HCF वन हो, क्या हो? HCF अगर इनका निकाला जाए तो वो वन हो जाए। कितना हो जाए? वन। हम जो बोलते जा रहा हूँ उस चीज़ को सुन के एक बार पहले वीडियो देख लो, दोबारा रिपीटली जब आपको लिखना है तो पूरा एक एक चीज़ को सुनते हुए लिखो, ठीक है? हर चीज़ यहाँ लिखेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा बच्चों, तो आधी चीज़ों को हम लोग बोलते चलते हैं। वे संख्याएँ जो जोड़े के रूप में लिखी जा सकती हों लेकिन जिनका मासा एक हो, वो क्या हो जाती हैं? आपकी से अवाज संख्या। जैसे यहाँ पर इनके बीच का अगर HCF निकालें, HCF निकाला जाएगा, मासा निकाला जाएगा इनका, तो वो क्या आएगा? वन आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो मासा वन होगा। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं सहअवाज संख्याएं, ठीक है बच्चों? उम्मीद है ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अगर एक बार आप रिपीटली फिर से देख लेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे तो सारी चीज़ें उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बच्चों। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। इसके आगे के पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे, और इसमें अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है? जो भी आपका कमेंट है फीडबैक में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।